स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स बताने की, जिसमें पहला स्टॉक है कोल इंडिया और यहाँ पे मेरी सेल की कॉल है। स्टॉक वीक लग रहा है चार्ट पे और कोई सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और पिछली बार भी आपको कई खबरें थी कि बारिश की वजह से इनकी एक माइन में पानी भर गया था तो वहाँ से प्रोडक्शन रुक गया था, जो टोटल प्रोडक्शन का 5% देते हैं। इसके अलावा जो प्राइसिंग है वो नीचे चल रही है और डिमांड ऑफटेक कम है, जो इन्होंने आंकड़े दिए थे उत्पादन और सेल के वो कमज़ोर थे। तो हमें लगता है कोल इंडिया में थोड़ा दबाव और देखने को मिलेगा, 180 के लक्ष्य के साथ इसको बेच के चलें। और अंत में डाबर एक स्टॉक है जिसे खरीद के चलें, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नतीजे पेश किए हैं उसको देख के उत्साह बनता है कि दूसरी FMCG कंपनीज भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। और फेस्टिवल सीजन, जॉब रिपोर्ट्स, ये सारे ये सजेस्ट करें कि आगे आने वाले समय में स्थिति और बेहतर होगी। तो डाबर में भी एक ट्रेडिंग के लिहाज से 470 के टारगेट के साथ खरीदारी आज की जा सकती है। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस लगातार होटल शेयरों पर है। और इससे पहले भी देखिए कई होटल शेयर हमने अपनी टीम में आपको सुझाए और टीम का अंत भी होटल स्टॉक से ही करेंगे। EIH और EIH एसोसिएट्स, ये दोनों स्टॉक्स भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जिस तरह से होटल शेयरों में देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है, अब लगता यही है कि जो ईयर एंड होता है तब ये प्राइसिंग भी ज़्यादा अच्छी डिमांड करते हैं, कमांड करते हैं, और ऑक्यूपेंसीज भी देखिए ज़्यादा बढ़िया तरीके से बढ़ती हैं। तो छुट्टियों का माहौल में जनरली होटल स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, तो अभी से लेकर खरीदिए, साल के अंत तक ये बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 330 के टारगेट EIH के लिए और EIH लिमिटेड के लिए 195 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 5 होटल शेयर हैं और बाकी के ऑफशोर स्टॉक्स भी हैं, ज्वेलरी शेयर भी हैं। बताइए क्या पसंद आ रहा है नीरज आपको? देखिए मैं तो सोना चांदी वाला आदमी हूँ, तो मुझे लगता है कि थंगामाइल लेना चाहिए। थंगामाइल इसलिए लेना चाहिए कि फेस्टिवल सीजन है, ये सब है, दिवाली धनतेरस सब चल रहे हैं। साउथ में जो है ना बारिश के बाद अच्छी खरीदारी होती है ज्वेलरी में, और वहाँ का सोने के प्रेमी लोगों को आप जानते ही हैं, और चांदी का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन थंगामाइल की शॉप्स पे होता है, लार्जेस्ट है ये। तो मैं लगता है इस पर नज़र रखिए, बहुत दिनों बाद ये स्टॉक रडार पे आया है तो इंटरेस्ट भी जागेगा लोगों का, खरीदारी करके चलें। 375 का लक्ष्य मुझे लगता है बहुत आसानी से अचीव होना चाहिए आज। मेरी टीम देखिए इसमें बताइए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी होटल थीम को प्ले किया है, तो उसमें अगर आपका स्टॉक ढूंढूं तो ITDC नज़र आता है, ये शेयर भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। बाकी अदानी ट्रांसमिशन भी आज नज़र आएगी, आज के रंग रूट वाले कैटेगरी में ये फिट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारे तमाम स्टॉक्स हैं जो आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। SGX Nifty देखिए और बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बेहतरीन दिन है और बल्लेबाजी आज हमने सारे के सारे चुने हैं। पूरी टीम देख लीजिए बल्लेबाजों से भरी हुई है, बढ़िया प्रदर्शन ड्यूक्स ऑफशोर जैसे स्टॉक्स दिखा सकते हैं, जिंदल ड्रिलिंग में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, HOEC में बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है, ONGC के साथ जिस तरह से एक्जॉन नोबल का एक करार सामने आया है, तो हमें लगता है कि ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। अगले हफ्ते शुक्रवार को क्योंकि शुरुआत हो जाएगी धनतेरस की, तो फिर TBZ, थंगामाइल, ज्वेलरी जैसे स्टॉक्स में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और बाकी के 5 स्टॉक्स देखिए होटल सेक्टर से हमने आज चुने हैं, ये वो सेक्टर है जो सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। कामत होटल अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, रॉयल ऑर्किड में भी बेहतरीन तेजी, ताज GVK, EIH लिमिटेड, EIH एसोसिएट्स जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में दिखा सकते हैं। ईयर एंड के चलते भी आप देखिए ये वो होटल स्टॉक्स हैं जो अच्छा मुनाफा पेश करेंगे, और GST के जो बूस्टर डोज इसको हाल ही में मिले हैं वो भी इस सेक्टर के लिए एक सेंटिमेंटली बहुत ही बढ़िया खबर मानी जाएगी। तो ये वो पॉकेट है जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी। मेरी टीम पर नज़र डालिए, यहाँ पे भी आपको खरीदारी के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, खबरों का सपोर्ट है। ONGC पर नज़र रखिएगा, इन्होंने एक्जॉन मोबिल के साथ एक टाइप किया है, टेक्निकल टाइप है जो डीप वाटर ब्लॉक में इनको मदद करेगा, तो ये इनके लिए अच्छी खबर है। अदानी ट्रांसमिशन ने भी REC की एक ट्रांसमिशन लाइन का एक्विजिशन किया है, वो इनके लिए अच्छी खबर है। भारतीय एयरटेल बहुत मजबूत लग रहा है चार्ट पे, यहाँ पे और तेज़ी बनेगी, लेकिन UPL में कमजोरी के संकेत अभी भी दिख रहे हैं। आईबुल हाउसिंग भी कमज़ोर रहेगा, अभी भी ये बाईबैक तय नहीं कर पाए, अभी SEBI के अप्रूवल चाहिए। HUL के रिजल्ट्स बेहतर हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट ऊपर कर दिए हैं और आगे भी आउटलुक ब्रोकरेज के हिसाब से बेहतर रह सकता है, यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। ITDC ये होटल स्टॉक है, सरकार इसमें आगे बढ़ चुकी है, अशोका और सम्राट होटल को बेचने के लिए उसके लिए एडवाइज़र नियुक्त किया जाएगा और 30 दिन के अंदर वो सुझाएगा कि इस होटल को किस तरीके से बेचा जाए, लीज में दिया जाए या इनकी लैंड डेवलपमेंट की जाए, ये सारे प्रस्ताव 30 दिन के अंदर होंगे। अदानी गैस कल का स्टॉक है, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रदर्शन आगे भी दिखाएगा और कल देखिए अच्छा रिटर्न इसने आपको दिया। कोल इंडिया थोड़ा वीक दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट करिए।
और डाबर में खरीदारी करके चलिए। एफएमसीजी का आज मूड थोड़ा सा बनता हुआ यहाँ पे दिखेगा आपको। तो हेमंत का जन्मदिन, हेमंत बहुत बहुत बधाई आपको और उम्मीद करते हैं कि ये वर्ष और आने वाले तमाम वर्ष आपके लिए बहुत बेहतरीन हो और आवाज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। और कल आपने बहुत शानदार जश्न मनाया अमृतसर में। जी हाँ, अमृतसर में कुलचे खाए और गोल्डन टेम्पल में हाथ जोड़ा, मत्था टेका। तो मैंने सोचा बर्थडे की शुरुआत कुछ अलग तरीके से की जाए। लास्ट ईयर भी मैं अमृतसर में ही था और इस बार भी मैंने सोचा जन्मदिन और वो भी 40वां जन्मदिन, तो फिर गुरुद्वारे जाना बनता था। तो बस फिर इस The 40 who's a hottie. So 40 is a new 20, Hemant. Congratulations. Thank you. And welcome to your 20s. Thank you. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपके अगले 20 साल, जब तक आप अगले 40 तक पहुंचे, एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आप पार्टी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, परिवार वालों के साथ ढेर सारा समय बिताएं और ऑफ कोर्स 2020 हर रोज जीते। बिल्कुल, थैंक यू। 20 मिक्स 40 ये जब आपका बर्थडे आएगा, ये विश आपके लिए भी होगी। मैं तो इनसे बड़ा हूँ 3 साल, मैं 43 हूँ। तो चलिए मुनाफे की तैयारी करेंगे इसी शानदार शुरुआत के साथ, जहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे खरीदारी के मौके मिलेंगे। लेकिन मुनाफे की तैयारी में हर्षदा बताइए आज कैसे करें, पार्टी तो होगी, कहाँ कहाँ पे होगी? आज मैं सोच रही फोकस कर पाएंगे हम होटल स्टॉक्स चूज किए। मैंने कहा पार्टी करने के लिए तो होटल लगे, आइडियल है, आइडियल है। कल हमने रेल स्टॉक्स में एक धमाकेदार लिस्टिंग देखी, आज ऑफ कोर्स होटल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन ऑफ कोर्स रिजल्ट्स का भी प्ले और एफएमसीजी रडार पर रखिएगा। वीरेन को जोड़ रहे हैं, वीरेन। हेमंत, मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको दिन की, एक दिन बाद से। लेकिन मैंने पहले भी आपको बधाई दी थी, लेकिन मैं यही कामना करता हूँ ईश्वर से, लंबी उम्र दे और दर्शकों के लिए, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए। मेरे शेयर नहीं लिखा आपने कोई अच्छी अच्छी खबर है। आई थिंक इस बड़े इवेंट को, हेमंत के लिए जो बड़ा इवेंट है, आई थिंक किसी शेयर में समेटना बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने जो अपना काम आपके जन्मदिन पे किया था और हर्षदा के जन्मदिन पे किया था, वो सुबह ही सुबह कर दिया है। मेरी तरफ से एक केक सीएनबीसी आवाज के ऑफिस में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वीर, थैंक यू। चलिए तो शुरू करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ, बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज आपको बढ़िया मुनाफा कमाकर दे सकते हैं।